गांव वाला आ गया, गांव वाला आ गया। गांव वाला क्या, गांव वाला इंसान नहीं है? हमको ये बताओ ना भाई, पता है गांव वाले अगर खेती करना छोड़ देंगे ना, तो स्टारवेशन का नाम सुना हो ना भाई? स्टारवेशन जिसको भुखमरी बोलते हैं, ड्राउट, अकाल, वो पड़ जाएगा शहरों में। तुम लोग राइस पल्स खाते हो, हम लोग दाल भात खाते हैं। तुम लोग शर्ट पैंट पहनते हो, हम लोग गंगा पैंट पहनते हैं। गमछा में, गमछी में, लुंगी में, तौलिया में पहन के काम कर रहे, तो हाथ में चपड़ा लेकर के भाई आराम फरमा रहे हो गए अभी तो। कभी कभी माड़ भात भी खा लेते हैं, पानी भात भी खा लेते हैं भाई। टूटने जल्दी यार, तो हूँ एटीट्यूडे में आगे नहीं। ये रनिंग ट्रैक बन रहा है, ये चारों तरफ से ये बन रहा है बैडमिंटन के लिए यहाँ पे, ठीक है। और उधर जो काम हो रहा है वहाँ पे वॉलीबॉल के लिए बन रहा है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, गुड लगे, प्रणाम, सलाम, स्वागत करता हूँ दोस्तों मेरे एक और नए ब्लॉग में। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खैरियत होंगे। तो दोस्तों मैं ब्लॉग छत पर से इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप भी कुदरत का करिश्मा देखिए। 3 दिन 4 दिन ऐसा फील करवा दिया कि जैसे गर्मी आ गई, धूप भी काफ़ी काफ़ी तेज़ करवा दी, लगा कि हाँ गर्मी आ गई। बट आज देखिए इतना कोहरा है, इतना कोहरा है कि मतलब कि यहाँ से 20 मीटर के आगे कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा ये देखिए कि ये कुदरत का करिश्मा, इतना कोहरा कि पता ही नहीं चल रहा है कि आगे क्या है। तो दोस्तों खैर कुछ दिख रहा है, और अभी करीब 8 बज गया, 8 से ज़्यादा बज रहा, 8:30 बज रहे होंगे, और कोहरा तो कुछ हट भी गया, लेकिन सुबह सुबह इतना ज़्यादा कोहरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। और वैसे स्टार्ट अभी इसलिए किया ब्लॉगिंग क्योंकि मैं नीचे था हाजल के पास, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और कमर में थोड़ा ज़्यादा ही दर्द है, वो उठ नहीं पा रही है, बोल रही है कि बहुत ज़्यादा दर्द है, तो अभी भी सो रही है वो। देखिए काजल अभी सो रही है वहाँ। देखिए दोस्तों टाइम आधा घंटा पीछे, करीब अभी 7:30 बजा है और अभी ये सो रही है। ये देखिए मरहम उसको दिए थे सुबह ही लगाने के लिए, बट खुद से नहीं लगा पाए, मम्मी को बोल देते हैं लगाते हैं। अभी दोस्तों क्या हो रहा है कि मम्मी तो झाड़ू लगा रही है, मम्मी झाड़ू लगा रही है घर में, और हम भी देखिए थोड़ा किचन में कुछ कर देते हैं, खाना तो बनना ही बनना है यार, बजने वाले हैं तो बना देते हैं। दोस्तों ये देखिए, इसको पता चला कि हम काम कर रहे हैं, मतलब खाना बनाने जा रहे हैं, तो ये उठ के आ गई ज़बरदस्ती। जबकि इसको बोल रहे हैं कि तुम जाके आराम करो, लेकिन सुन नहीं रही है। जाकर बैठ जाओ ना, आराम करो ना, कर देंगे ना। ले 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 बिटू, ले बिटुआ, ए मुआ मुआ को। दोस्तों ये खाना देखिए खाना बना रही है, सब्जी बना रही है, जो कि आलू, देखिए आलू को कुकर में पका दो, इसको छीलने के लिए बोलिए तो इसको छील लेते हैं। तो अभी दोस्तों मेरे साथ हमन है और हम लोग जा रहे हैं खेत पे, और बाकी दोस्तों वहाँ खेत पर जाकर के बताएंगे कि हम लोग खेत पे जा क्यों रहे हैं। वैसे 2 दिन पहले ही खेत पे आए थे, ब्लॉग में आप लोग देखे ही होंगे, और ब्लॉग खेत पे जाकर के बताएंगे कि रीज़न क्या है आज सवेरे सवेरे एकदम खेत पे जाने का। तो चलते हैं दोस्तों खेत पे जाकर के, मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं खेत पे, और खेत पे आराम से देखिए बैठे हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे बैठे हैं एकदम। और बात दोस्तों मैटर ये था कि अभी बताया कि अब खेत पे जाकर के बताएंगे सारी बातें, तो खेत पे आ गए, अब मैटर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अब मैटर ये है कि YouTube पे घमासान लड़ गया है, घमासान हो गया है ब्लॉगरों के बीच में, और ब्लॉगर 2 कैटेगरी में बट गए हैं, एक हो गए हैं शहरी वाले, एक हो गए गाँव वाले, और हम ठहरे गाँव वाले। तो पीछे से सुलगेगी। मैटर ये था कि विजय रिया ब्लॉग भैया जो हैं वो गए थे किसी पार्टी में, शुरुआत वहीं से हुआ। अब वो गए पार्टी में तो उनको क्या किया गया, वहाँ पे डिफेम किया गया, गांव वाला बोल करके उनको चिढ़ाया। अब वो भले वो उम्र में हम उनसे बड़े हैं, वो मेरे से छोटे हैं, और वो बाकी सारे लोगों के बीच में वो कम उम्र के थे, वो छोटे थे। अब जो मर्जी में आया सो उसको बोलते गया भाई को, विजय भाई को, और बेचारा कुछ जवाब नहीं दिया। तो जवाब भाई गलती, विजय भाई की गलती पता है क्या है, उसने जवाब नहीं दिया। उसको जवाब इस तरह से देना चाहिए था कि भाई तू मुझे गांव वाला बोल रहा है, बस एक मेरे सवाल का जवाब दे दे कि तू शहर में है, हम गांव में है, तू शहर के शहर में ही रहेगी, हम तो तेरे जगह पे आ गए, जहां तू खड़ा वहां तो हम आ गए उठ के तेरे जगह पे, तुम्हारी क्या रह भाई, फिर तुम्हारी हैसियत क्या रह गई,
मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ और किसको बोल रहा हूँ भाई, वो मैं नहीं बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा। बस मैटर ये समझ लो कि कहीं गए थे वो पार्टी में, हाँ जिनके घर गए थे पार्टी में, जिनके पार्टी में गए थे, वो रुद्र भाई के नाम से ब्लॉग चैनल है, रुद्र उनका नाम है, और उनके बेटे का बर्थडे था, तो उसी बर्थडे में उनको इन्वाइट किया गया था विजय भाई का, और वही बर्थडे वाले पार्टी में गए थे। तो जवाब उनको देना नहीं आया, उनको देना चाहिए था यही कि भाई तू जहाँ है मैं तो तेरे पास आ गया हूँ, तू आगे कहाँ गया, तू तो वहीं का वहीं है। अगर हम लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, तू तो एंटीलिया में फ्लैट नहीं ले रखा है, तू भी उसी जगह पे है। तुम लोग सब्जी मंडी से फ्रीजर से सब्जी लेकर के आते हो, हम लोग भाई खचिया से ताज़ा तो किसान तोड़ के लाता है, वही खचिया से हम खरीद के खाते हैं। तुम लोग मॉल में जाते हो, हम लोग छोटे मोटे दुकान में जाते हैं। तुम लोग राइस पल्स खाते हो, हम लोग दाल भात खाते हैं। तुम लोग शर्ट पैंट पहनते हो, हम लोग अंगा पैंट पहनते हैं। भाई ये गलत बात है, छोटा मोटा क्रिएटर है या चाहे जो भी है, गांव वाला है, जैसा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए गांव वाला इंसान नहीं है। हमको ये बताओ ना भाई, तुम लोग भाई मैट्रेस पे सोओगे, हम खटिए पे और गेंद्रा पे सोते हैं, लेकिन नकल उतना ही है जितना तुम्हारे पास है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हम देखें ना, वीडियो देखे हैं, सारे लोगों का वीडियो देखे हैं, कौन कितना बोलता स्टेज पे जा करके वो हम देख लिए। तो भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अब तुम्हारे पास अक्कल है तो लोग छोटा लोग वो गांव का लड़का इतना बुद्धि और इतना मेहनत करके तुम्हारे पास पहुंच गया, तुम्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। अभी दोस्तों तो खेतों पे आए हैं, सुबह सुबह ठंडी है भाई, मुझे आशा है कि आप मैट्रेस में आराम से गद्दे के नीचे सो रहे होगे। हम लोग देखो खेत पे आ गए, मेहनत करने आ गए, मेहनत का काम होता तो मेहनत कर रहे होते इस समय, अभी गमछी में लुंगी में तौलिया में पहन के काम कर रहे थे, हाथ में चपड़ा लेकर के भाई आराम फरमा रहे हो गए अभी तो। और हाँ दोस्तों, विजय भाई ने ये भी बोला कि जब मैंने अपना हाथ रखा था उन भाई यूट्यूबर भाई के पैरों पे, तो उसने मेरा हाथ ऐसे झटके से हटा दिया था, तो क्या वहाँ पे छुआछूत का मामला था? मैं वो भाई से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने ये गाँव वाले का मैटर खड़ा किया, क्या छुआछूत का मामला था या फिर कोई दिक्कत थी? ये इंसान विजय भाई इंसान नहीं है क्या? हाँ मतलब इससे पता चलता है कि तुम भाई तुम अपने परिवार में भी अगर तुम्हारे फैमिली में भी अगर कोई गरीब होगा या गांव वाला होगा, फिर तो तुम उसको भी वैसे ही बोलते होगे कि तू भाई गांव वाला है, तू गांव में रह, मेरे घर पे मत आ, हम शहर में रहने वाले हैं, भाई तो ऐसे ही करता होगा तू, शोभा देता ये। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की गलती हो तो उस गलती को लेकर के उस आदमी को बोलो। अगर विजय भाई की गलती रही होगी तो जो गलती किया विजय भाई ने उस गलती के बारे में उसको बोलो। अगर गलती किया होगा तो उसको गांव वाला बोल देगा, गरीब बोल देगा या फिर छोटे लोग बोल दोगे, तो ऐसे नहीं होता है। अगर पता है गांव वाले अगर खेती करना छोड़ देंगे ना तो स्टारवेशन का नाम सुना हो ना भाई, स्टारवेशन जिसको भूखमरी बोलते हैं, ड्राउट अकाल, वो पड़ जाएगा शहरों में। समझ में आ गया? हम लोगों के निवाले पे आप लोग टिके हो, हम लोगों के मेहनत पे आप लोग टिके हो, हम भी किसान हैं। ये देखिए हमारा ब्लॉग आप लोग देखते ही होंगे, ये देखिए हमारा खेत, इधर खेती करते हैं, सुबह सुबह आ करके यहाँ पे खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं। अभी पता है अभी खेतों में खाद छींटना है कुछ दिन बाद, फिर उसके बाद पानी डालना है, फिर कटाई होगी, बढ़ेगी कटाई होगी, अनाज के जानते हो अनाज वही शहरों में भेजेंगे हम लोग। ताहम दोस्तों कुछ ज़्यादा बोलेंगे नहीं, हम गाँव वाले हैं, गाँव वाला अक्कल है, गाँव वाला बोली है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बस हम ये कहना चाहते हैं भाई लोग, अब जो मेरे व्यूअर, मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है यार, 950 है, तो 950 भले शहर के हो या गांव के हो, इतना तो समझना चाहिए कि किसी को किसी के प्रति गलत नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलिए कि हाँ उसको लगे कि मैंने गलती की है तो गलती की वजह से बोला जा रहा है, लेकिन उसके अलावा उसको ऐसा डिफेम नहीं करना चाहिए कि उसको बुरा लग जाए। तो दोस्तों हम लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि हम लोग ठहरे गाँव वाले, तो इसको YouTube और TikTok के जैसा मत कर दीजिए, नहीं तो गांव वाले फेंका जाएंगे हम लोग। तो कृपया करके ऐसे नहीं बोलिए गांव वाले यूट्यूबरों को, जो गांव में रहते हैं उनको भी आस होता है कि YouTube पे आगे बढ़ करके कुछ करे और अच्छा खासा अपना जीवन में सफलता बनाए। आप लोग बन गए हैं तो इसका मतलब थोड़े कि हम लोग नहीं बने, आप लोग लाखों कमा रहे हैं तो हमको भी 1000 कमाने दीजिए। तो आशा करते हैं ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलिए गाँव वालों को। तो दोस्तों अब जा रहे हैं घर, एक छोटा यूट्यूबर होने के नाते हम अपना जो मेरे मन में जो था वो हम बता दिए और बोल भी दिए। बस बुरा लगता है कि लोग ऐसा बोलते हैं, इतना नॉलेजेबल होने के साथ साथ, इतना अकल और बुद्धिमान होने के साथ साथ, पता नहीं या तो ये सब जानबूझ के बोलते हैं ऐसा, या किसी को छोटा नीचे दिखाने के लिए ऐसा बोलते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं यार इतना नॉलेज होने के बाद भी। तो दोस्तों अब जा रहे हैं घर पर
और भूख लगी है, भूख जा करके घर खाना खाएंगे, ब्रश भी नहीं किए अभी तक। हाँ, आप लोग भाई शहर वाले हो तो ब्रश धोते होंगे, हम लोग दातून से धोते हैं, तो जाते हैं दातून तोड़ते हैं और दातून से मुंह धोते धोते घर चल जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये बबूल का पेड़ है और इसी के कहने से हम लोग मुँह धोते हैं। तो बबूल का जो दातून होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, ब्रश से कहीं गुना अच्छा होता है। तो हम लोग रेगुलर तो नहीं करते हैं, बट जब भी खेत तरफ या मौका मिल जाता है ना, तो हम लोग दातून से भी धो लेते हैं। हम लोग गांव में रहने वाले हैं दोस्तों, तो क्या करें, दातून से भी धोना पड़ जाता है। हम लोग कभी कभी माड़ भात भी खा लेते हैं, पानी भात भी खा लेते हैं भाई। तो जो भी है, जैसा है, गाँव वाले अच्छे हैं, हम लोग मेहनत करके खाते हैं। और टूटने जल्दी यार, में आ गए। ये देखिए दोस्तों, ये इसको तोड़ लिया और इसमें कांटा है, इसको अच्छे से तोड़ा जाता है, नहीं तो फिर गड़ेगा ना, तो लगेगा कि हाय मैया हाय बापा कह पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए, हम लोग दतौन से मुँह धोते हुए घर जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है धोने में। तो घर जा करके दोस्तों आप खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना मैंने बोला इस कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर के, अगर गलत बोला होगा तो मुझे माफ़ करिएगा, और किसी को अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मुझे भी तकलीफ़ होती है, हमको भी दिक्कत हुआ सुन करके कि ऐसा ऐसा हम लोगों के बारे में बोला जा रहा है। अभी देखिए, अभी दोस्तों बस खेत से निकले ही थे और घर जाने वाले थे, तो अमन बोला कि चलिए ना थोड़ा स्कूल का ग्राउंड देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ ग्राउंड में काम हो रहा है, काम लगा हुआ है और सरकार के थ्रू काम हो रहा है। यहाँ पे खेल के लिए दोस्तों ज़्यादा काम हो रहा है। अभी बताते हैं दोस्तों यहाँ काम क्या हो रहा है वो बताते हैं आपको। पहले तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है कोड़ा हुआ, ये रनिंग ट्रैक बन रहा है ये चारों तरफ से। और बाकी आपको दोस्तों ये दिखाता हूँ, ये बन रहा है बैडमिंटन के लिए यहाँ पे, ठीक है। और उधर जो काम हो रहा है वहाँ पे वॉलीबॉल के लिए बन रहा है, और उधर देखिए बैठने के लिए बन रहा है, क्योंकि ये बीच से ये क्रिकेट ग्राउंड है, ये चारों तरफ से देख रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड है, तो वहाँ पे लोगों को बैठने के लिए वो बन रहा है। बाकी बच्चों को खेलने के लिए दोस्तों इधर प्ले जो होता है ना, स्लाइडर होता है और झूला झूलने वाला होता है, वो सब इधर लगेगा। तो धीरे धीरे दोस्तों ये काम हो रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे बन गया। बाकी ये जो देख सकते हैं, ये तो हाई स्कूल है ही है, दम बिल्कुल ठीक इसके सामने हमारा खेत उधर पड़ता है, तो उधर ही से आ रहे थे, तो अमन बोला चल के दिखा दीजिए। दोस्तों हम लोग जब भी क्रिकेट खेलने आते हैं तो हमारा मतलब गाँव का ग्राउंड ही यही है, तो हम लोग यहीं क्रिकेट खेलने आते हैं। अब रियल में हम लोग घर जा रहे हैं, भूख लग गई है बहुत ज़ोर से, तो खाना खाएंगे और ऐसे तो मुंह धो ही रहे हैं दातुन से, तो जाते हैं घर दोस्तों, घर जाके मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों हम आ गए घर पे, अभी आए, ये देखिए जैसे ही आए ये रो रहा था, तो इसको दूध बना के दिए तो दूध पी रहा है और बस देखने लगा, हम बोलने लगे बस आग करके देखने लगा, और पिएगा डुगू, निकाल दो और पिएगा डुगू का सामान वाला ही लाइए। तो अब दोस्तों अब जाते हैं, हम भी खाना वाना खाएंगे, खत्म है क्या यार, तेल मैं तो बोल अच्छा ले आएंगे, डायपर ले आएंगे, डायपर भी ले आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, इसको रखते हैं, काजल को देते हैं, हम खाना निकाल करके लेके आते हैं और खाना खाते हैं। भूख बहुत कसके लगला, तो दोस्तों हम लोग खाने पे बैठ गए हैं, हम और काजल दोनों खाने पे बैठ गए हैं, और ये देखिए गाँव का खाना यही है दोस्तों, हम लोग गाँव का खाना खा रहे हैं, जल लेके आओ सर। तो गांव का खाना दोस्तों ये है, भात है, तरकारी है, चटनी है, और वही खा रहे हैं। तो ये वाला वीडियो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं और से नए वीडियो में, और अगर अच्छी लगी हो तो मतलब अच्छी लगी हो क्या, अगर आप नए हो चैनल पे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, झूठ का हाथों से नहीं करेंगे, बाय।